हेलो फ्रेंड्स, गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 32 इंच ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो ये हमारा कॉटन का पीस है, बॉर्डर वाले, जो गर्मी के मौसम में ये ब्लाउज पहनने में बहुत ही आरामदायक होते हैं। तो चलिए इसको हम उल्टा करके पहले बिछा लेते हैं। कपड़े को उल्टा साइड करके हम बिछा लिए हैं। अब हम इसकी नाप करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई है 32 इंच, लंबाई है 12.5 इंच, कंधा है 10 इंच, बाजू है 3.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप करेंगे। तो लंबाई 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब हम चेस्ट का नाप करेंगे 32 इंच। तो 32 का एक भाग 8 इंच, यहाँ से हम 2 इंच आप या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब हम कंधे की नाप करेंगे। तो 10 इंच का कंधा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा डीप गला बनाएंगे, तो 9 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 9 का आधा 4.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल हम 5 इंच झुकाएंगे। यहाँ से 1 इंच, अब यहाँ कंधे का निशान लगाएंगे, पौने 3 इंच यहाँ पर कंधे का निशान लगाएंगे। गले की गहराई, पीछे का जो हमारा गला गहरा होता है, 8 इंच और 1/2 इंच सिलाई के लिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ बीच वाली प्लेट आप अगर नहीं डालते हैं तो यहाँ बीच से आप इस सेंटर को उठा लीजिए। अब ये हमारा पीछे का पल्ला कट चुका है। अब हम आगे पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फिर से हम कपड़े को बिछाकर थोड़ा सा 1 इंच आगे की साइड बढ़ाते हुए हमने ये पीछे वाले पल्ले को रख लिया है। अब सेम आपको यहाँ पर निशान लगाना है। अब यहाँ से 2 इंच, यहाँ साइड से हमने 1 इंच कपड़े को बढ़ाया है। अब इसको हम हटा लेंगे। अब हम यहाँ पर गले की नाप करेंगे। तो गला 6 इंच था, तो 6.5 इंच पर सिलाई को रखते हुए यहाँ से 3 इंच, अब यहां से हम बीच के सेंटर से 12 इंच, यहां पर भी 12 इंच। अब इसको हम सीधी कर लेंगे। यहां से ऊपर की साइड 1 इंच, यहां से 1/2 इंच गहराई। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हटा लेंगे। यहां पर अब बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने यहां पर डबल फोल्ड कर दिया है। इसे हम दोबारा से एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा 4 परत में हो गया है, खुला साइड इस तरफ, बंद साइड अपनी तरफ। तो आर्म होल की कटिंग हमने 5 इंच पर की थी, तो हम एक 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा। अब लंबाई हमारी 3.5 इंच है, तो हम 1 इंच सिलाई के लिए यहाँ पर नीचे की साइड 1/2 इंच 1/2 इंच इस तरफ,
हमें तुरपाई करना है नहीं, तो इसलिए हम कपड़े को 1 इंच ही एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस लाइन को सीधी कर लेंगे। अब यहाँ दूसरी साइड हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब आधी इंच यहाँ पर गहराई छाटेंगे। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है। अब हम बचे हुए कपड़े से बटन पट्टी, काज पट्टी और रेबी पट्टी निकालेंगे। अब इसमें हम 4 टक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 इंच पे एक टिक लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे, यहाँ से 4.5 इंच पर, इस वाले निशान से ये वाला, इस वाले निशान से ये वाला। तो ये हमारे 4 टक्स के निशान लग चुके हैं। अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ छाप लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये हमारा आगे का पल्ला है, नीचे की बेल्ट पट्टी और ये बाजू और ये काज पट्टी, बटन पट्टी और ये और भी पट्टी। तो इस तरह हमने 32 इंच पेंट ब्लाउज की कटिंग आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।